एक कमेंट भी आया था कि अंजना की ड्राइविंग का क्या हुआ, तो कहीं उसके बाद पहले आप ये बताओ हम आज कहाँ जा रहे हैं। हमारे दादी हुए तो उनको डिनर पे इनवाइट किया, तो आप बोलो क्या। तो बढ़िया से इसको मीडियम फ्लेम में सौते करना है। कितनों की लव स्टोरी यहाँ, केसरिया तेरा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ध्रुव अंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज संडे है और आज हमारा व्लॉग बनाने का कोई प्लान नहीं था, पर फिर ना मैंने सोचा कि वीकडे में ऑफिस होता है, तो उस वजह से ना व्लॉग बनाने के लिए टाइम निकालने में थोड़ी सी मुश्किलें हो जाती है। तो आज हम व्लॉग भी बनाएंगे और साथ ही में आज हमने किसी से मिलने भी जाना है, तो बस मैं तैयार हूँ, अंजना रेडी हो रही है। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो व्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो गाइज निकलने से पहले मैंने अपने लिए पोहा बना दिया है, क्योंकि यार लंच थोड़ा स्किप हो गया था क्योंकि ब्रेकफास्ट अपना लेट हुआ है आज संडे की वजह से। हल्की सी डाइट खा लेता हूँ, मैं एनर्जी बटोर लेता हूँ। तो मैं खा ही रहा था, बीच में अंजना भी आ गई कि इसको भी खाना है। मैंने सोचा मैं टेस्ट कर लेती हूँ कैसा बना है। ठीक है वैसे, तभी खा रही है। एक और बना दो फिर। मैं नहीं चलता, हम लेट हो जाए। तो अच्छी बात है कि हम बाहर का नहीं खाएंगे, तो इसलिए घर में ही कुछ खा के जाओ। किसी के घर ही जा रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और पापा बोल रहे थे कि दिन में चलते, पर दिन में इतनी गर्मी, हमने कल का एक्सपीरियंस देख लिया था, तो हमने डिसाइड किया कि 5-6 बजे ना भी, और 6 बजे और बाहर देख, अभी भी इतनी धूप है। आपको पोहा था, मैंने छीन लिया। कोई नहीं लग रहा है इसको टेस्टी लग गया है, तभी खा रही है। मतलब मैं इसको हमेशा पूछता हूँ खाएगी पोहा, तो हमेशा मना करती है, तो आज इसने हाँ किया। मैं चल खा ले, कोई नहीं, थोड़ा ये खाएगी थोड़ा मैं खाऊंगा, फिर निकलेंगे। ठीक है बेटू, भाई साहब हमारे पीछे बैठे हैं। मैं भी सोचो क्या हो गया भाई, सेवी को, सेवी वॉशरूम में बैठी है। सेवी ये कोई बैठने की जगह है। चलिए फिर, मैंने तो अभी भी इतनी गर्मी में भी गर्म पानी से शावर लिया है, क्योंकि मैं ठंडे पानी से नहा नहीं सकती। ये तो भाई मेरे को हिम्मत मानता हूँ इसकी, इतनी गर्मी में गर्म पानी से नहाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सही बताऊँ मैं आपको, मैं तो भाई नहा नहीं सकता इतनी गर्मी में। वो भी गीजर ऑन किया था स्पेशली, बताओ मतलब है 35 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है और ये गीजर ऑन करके नहा रही है। इस टाइम भी ना इतनी गर्म लू चल रही है ना, सीरियसली बोलूँ मैं, इसी भी लू की वजह से बीमार होते हैं बंदे। धूप अभी भी है, ऐसा टेम्परेचर। हाँ अभी अभी धूप पीछे को गई है, गर्म तो होगी। सात के सात, 7:30-8 बजे तक भी गर्मी रहती है ना, इतनी गर्म हवा चल रही है। और सूर्य देवता हमारे अभी भी है। गर्मियों में अक्सर ऐसे ही होता है यार, एक तो सनसेट लेट होता है ना, इस वजह से गर्मी और ज्यादा बढ़ती है। अभी ठीक है गाड़ी, कल से तो ठीक है, कल के मुकाबले। तो हम जहाँ जा रहे हैं, हम पहली बार जा रहे हैं, तो आगे जाके रुक, कहीं रुक के हम कुछ ले लेते हैं, क्योंकि उस घर पे छोटी बच्ची भी एक है। छोटी बच्ची तो क्या, फर्स्ट सेकंड में होगी शायद, या बड़ी भी हो सकती है, थर्ड फोर्थ भी हो सकता है। तो वैसे आइडिया नहीं है, पर चॉकलेट तो हर एक बच्चा खाता है, हम भी खाते हैं चॉकलेट। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए तो कुछ लेना पड़ेगा, चलो रास्ते में देखते हैं। बस थोड़ा सा ये बोल देते हैं कि हमने चंडीगढ़ की तरफ जाना है, तो यहाँ से हमें लगेगा ऑलमोस्ट आधा घंटा। हाँ तो ठीक है यार, मौसम भी ठीक हो गया है, देखो मुझे लग रहा है ठीक है। अरे तेरे को ऐसे ही लग रहा है, लू तो चल ही रही है, फिर भी लू तो पूरी रात चली रहेगी ना, लू तो गर्मियों में चली रहेगी, लू कब नहीं होगी यार। बट ये है कि जाना तो पड़ेगा ही, बाहर अंदर ही अंदर नहीं रह सकते यार, है ना। एग्जैक्टली यार, ये मैंने भी मतलब बहुत रियलाइज करा, और फिर मैंने सोचा कि चल ही पड़ते हैं। पापा भी हमें चंडीगढ़ में मिलेंगे अभी, तो मैं पापा अंजू तीनों जा रहे हैं। शाम को निकलने का एक फायदा तो है कि ट्रैफिक बहुत कम होता है ना, और संडे भी है ना एक, उस वजह से भी थोड़े लोग घर पे रेस्ट कर रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। हाँ गर्मियों में वैसे भी किसी का मन नहीं होता, बट जब हमें वापस आना है ना ध्रुव में भी, तब मुझे लगता है कि ट्रैफिक हो सकता है, क्योंकि एक तो तब तक रात भी हो जाएगी और इवनिंग में मैक्सिमम लोग निकलते ही है बाहर। हाँ गर्मियों में ये होता है कि सारे नाइट में ही निकलते हैं, और जो मार्केट होती है वो भी बहुत लेट लेट ही बंद होती है। बाकी आप ही बताओ मेरी तो ये टी शर्ट कैसी लगी है। ओह माय गॉड, मैंने तो डिज्नी की सुने की आज बहुत अच्छी लग रही है। सुन मेरे को तो आप हमेशा ही अच्छे लगते हो यार। अच्छा जी। हाँ क्या बात है, थैंक यू सो मच, अच्छे लग रहे हो। जना आजकल गाड़ी भी नहीं चला रही है, क्या रीजन है अंजना, जरा वो बताओ आप। हाँ एक कमेंट भी आया था कि अंजना की ड्राइविंग का क्या हुआ, तो कहीं उसके बाद थोड़ा ये हो गया कि मेरे को थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज हो गए, थोड़ा स्ट्रेस में रहने लगी, थोड़ा उस चक्कर स्ट्रेस में तो नहीं रहने लगी, तो पहले मुझे लगा कि टेंशन तो रही ना, फिर भी तो था ये, और एग्जाम भी थे बीच में। हाँ ये थायराइड का मेन था कि सब मेरे को प्रायोरिटी हो गई थी यार, वेट गेन ज्यादा हो गया है तो वेट लूज करना है, तो उसके
के चक्कर में, और गर्मी भी बहुत है तो बाहर निकलना ऐसा हो गया है कि मेरा ये था कि मैं ध्रुव के साथ नहीं, अब बाहर जाके मतलब ड्राइविंग स्कूल में ही सीखूंगी, तो धीरे धीरे देखते बस ये लाएंगे रूटीन में, लाएंगे इस चीज को बहुत जल्द, बहुत जल्द मैं चाहता हूँ यार अंजना गाड़ी सीखे और इंडिपेंडेंट बने, उल्टा मेरे को ड्राइव पे लेके जाएगी ध्रुव, चलो ड्राइव पे, बहुत जल्दी ये दिन आएगा। तो गाइस पापा हमें मिल गए, पापा आ गए और पापा ने सामान ले लिया, पापा ने फोन करके बोल दिया था कि तुम लोग कुछ मत लाना, मैंने सामान ले लिया। हम जीरकपुर से निकल गए थे, हमने सोचा कि यहीं पे ले गए, यहाँ पे पीछे मार्केट पड़ती है, बट पापा ने ले लिया और हम पहुँच चुके हैं ये जगह। मैं तो पहली बार आई हूँ, शायद ध्रुव पहले आए है, मैं तो आया हूँ, है ना। तो अभी नीचे उतरते और आप लोगों को बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, पापा ही बताएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले आप ये बताओ हम आज कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ दादी लगे गाड़ी लगाने का फंस गया, अब गाड़ी का लगाए अंदर लगा ले। तो गाइस फ्री हो चुके हैं हम लोग, अभी तक बातें ही चल रही थी, ऊपर से मेरे ना काले चश्मे हैं तो ये चेंज करने पड़ेंगे मेरे को सबसे पहले, तो रात हो गई है, सही बात। और हम लोग इतनी मतलब गप्पे मार रहे थे और टाइम का पता ही चला। नहीं जी नहीं 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 नहीं, आप आओगे अब ठीक है, हेलो तो कर दो इधर पे। ये पापा के चाची है तो हमारे दादी हुए, हमने उनको डिनर पे इनवाइट किया, तो आप बोलो कैमरे में बोलो हम आप आओगे ना, जरूर आएंगे, डन डन डन। तभी नेक्स्ट टाइम इसको छुट्टियां हो जाएंगी ना बेटी को, हाँ अभी हमारा सेवी है ना घर पे इस वजह से, आप सारे आना चार जने ना, ठीक है आए नहीं। अब भैया ने पहन लिया है तो भैया थोड़ा सा जाए, भैया घूमने ऐसे भैया बड़े मजाकी है, अभी थोड़ा सा कैमरे के आगे शायद तभी हमने कैमरे पे ले लिया कि आना है आप सबको। पहली रसोई करने चलो जी भैया बाइक पे जाएंगे, दिन भर घूम रहे थे चंडीगढ़ ही ना, बाइक से बड़ा प्यार है, बाइक से बहुत प्यारा है, स्कूटर से भी बहुत प्यार है, पहले चेतक चलाते थे भाभी के साथ भी बहुत कम जाते थे, गाड़ी थी वहाँ तो मम्मी के साथ तो गाड़ी में जाते। गाइस 8 बज गए हैं, वैसे वो तो हमें छोड़ ही नहीं रहे थे, वो तो बोल रहे थे कि प्लीज खाओ, मैं और भैया तो विनय से बोल रहे थे कि इतना टेस्टी बनाते हैं, हम कहीं गेस्ट के घर भी जाते हैं वैसे खाना अच्छा बनाते हैं, मैंने तो खाया हुआ है ना, वो बोल रहे थे कि हम अगर गेस्ट के घर भी जाते तो ऐसे बोलते कि मम्मी बनाएगी हमारा खाना, बट आज हमें सेवी करके ऐसा था यार उसको अकेला छोड़ा है तो फिर अभी खाना बाद ये ना उसको 2 घंटे हो गए छोड़ के, अब इससे ज्यादा अगर हम छोड़ेंगे तो फिर यार हमें भी बुरा लगेगा उसके लिए, और हम ना वैसे हमने ना बहुत उन्होंने मतलब कोल्ड कॉफी बनाई थी विद आइसक्रीम, इतनी बहुत टेस्टी थी जी ने बनाई थी, तो बातों में ना बातें ही खत्म नहीं हो रही थी, और वो दी और भैया इतने टॉकेटिव है कि उन्होंने सारी गप्पे मार दी, पहले ये कितना एंजॉय करते थे शिमला में है ना जब आप लोग होते थे, इतनी मजे आ रही थी यार, तो उस टाइम हमें ध्यान रहा कि हमें शूट भी करना, आते आते हमने सोचा कि ठीक है यार अब थोड़े कम्फर्टेबल हो गए तो अब कर सकते हैं हम शूट, है ना। Exactly. बाकी मैंने उनको डिनर पे इनवाइट किया है तो अब देखते हैं यार वो डिनर पे आ गए तो हमें अच्छा लगेगा, और बहुत जल्दी अच्छा मीटिंग लगेगा, और ये था कि देखो हम मिले थे शादी में, हाँ शादी के बाद हमारा प्लान था कि हम मिलेंगे तो आज ऐसी बन गया हमारा प्लान मिलने का, तो अच्छा लगता है। बाकी अभी घर की तरफ चलते हैं यार, रात हो गई है गाइस, अब थोड़ा सा लग रहा है 8 बजे है, अब थोड़ा सा लग रहा है कि मौसम ठीक हो गया, गर्मी थोड़ी कम लग रही है, हाँ। तो भाई 5-6 बजे तक तो इतनी लू चल रही थी ना लिटरली, हाँ, पापा पीछे आ रहे हैं बाइक पे, पापा के पास ना पहले स्कूटर था, चेतक था, चेतक
पापा को ना बहुत शौक है, पापा बोलते हैं कि गाड़ी में टाइम लग जाता है, इस पे आप ऐसे की टाइम बात है नहीं। यहाँ पे क्या होता है चंडीगढ़ में बचपन से ही टू व्हीलर्स आपको पकड़ा देते हैं, मतलब जैसे साइकिल से शुरू होती है कि हाँ। साइकिल चलाएगा बच्चा हाँ। धीरे धीरे एक्टिवा। तो गाइस पूरे रास्ते पर ट्रैफिक नहीं मिला, जीरकपुर में आके हमें ट्रैफिक मिला है। जीरकपुर तो है ये ट्रैफिक हाँ, तो थोड़ा बहुत ही इतना भी नहीं है, पर चलो अच्छा है यार। वैसे ना एक चीज पता चल गई कि अगर आपको घूमना है ना तो संडे के दिन घूमो, बेस्ट है। शायद दुकान बंद है, ओ यार संडे करके शायद ना आज। रिलायंस बंद है भाई, इधर देख यहाँ पे सिर्फ मॉस्क ही बचा है ना। अब क्या करें, अब ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा मेरे को। गाइस हम सोसाइटी में पहुंच गए, अब मैंने कहा अंजना थोड़ा वॉक कर लेते हैं। खा ले। चल भाई इसको दे दी मैंने रोटी ना, ये खा लेगा। चले ऊपर यार गर्मी लग रही है काफी यार, कुछ बना भी लेती ना मैं। मैंने ऑनलाइन पनीर ऑर्डर कर दिया है, तो शाही नहीं कढ़ाई पनीर बनाते हैं। कढ़ाई पनीर नई रेसिपी ट्राई करते हैं ना, कुछ फटाफट बनाते हैं और खा के। अंजना की फटाफट वाली रेसिपी आज शेयर करेंगे अंजना है। पक्का बस 10 मिनट में ब्लिंकिट से आ जाएगा, 5 मिनट में पनीर रेडी, 15 मिनट में खाना तैयार है। टॉपिंग करके रखूंगी मैं। चल ठीक है, पहले भी से भी डाल देख लेते ऊपर। हाँ ऊपर चलते, वैसे तो उसको घुमा दिया था मैंने पहले ही। हेलो माय डियर, वेट कर रहे थे आप? आया नहीं था, कर रहे थे वेट? पूरा पंखे के नीचे बिल्कुल नहीं है, पंखा यहाँ चला और खुद वहाँ बैठे महाराज। मेरे को यही डर रहता है इसका हमेशा ना, है ना। हाँ ना भैया हो गए, भाई भैया हो गए। अरे बिना लाइट के महाराज हमारे बैठे है, हैं। अच्छा बेटी, अच्छा अच्छा चलो खुशी हो गया, खुशी हो गया। घूमी तो कर ली तूने, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, देखो और क्या चाहिए। ये देखो जा गाइस ऐसे होता है खुशी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरी बच्ची मेरी बेबी। देखना बिक्की भी नहीं खाया तूने अपना, बिक्की यहीं पे पड़ा हुआ है कब से। ले जो बिक्की, ले लो बिक्की, ले लो से भी आपको। ये देखो ये देखो ये देखो बिक्की ले लो, इसका आते ही बिक्की ले लो। चलो अब चेंज करते हैं हम। देखना गाइस ऑर्डर आया है, और ये भाई साहब ऐसा भूखता है ना। सेवी सेवी चल पीछे चल, पीछे चल पीछे चल पीछे चल, गंदी बात करता है। हाँ जी भैया थैंक यू। आ गया है सामान, अब बनाएंगे हम अपना कढ़ाई पनीर। तो अंजना मेरे को चॉपिंग करके देगी, और मैं अंजना की हेल्प करवाऊंगा क्योंकि इसके पेन हो रही है ना शोल्डर में। चल कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू। बस वो मसाले काट के दे दे, बाकी मैं आपको रेसिपी बताता हूँ। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ ये रेसिपी। तो गाइज ध्रुव को ना एक असिस्टेंट चाहिए ही चाहिए होता है। हाँ, असिस्टेंट की बहुत जरूरत है, क्योंकि देखो रेसिपी थोड़ी डिफिकल्ट है ना, और दो जगह पे होना है, एक जगह तड़का लगना है, एक जगह इसको रोस्ट करना पड़ेगा। एक पनीर के लिए ध्रुव ने दो जगह बोले, इसमें पहले तलेगी फिर इसमें तड़का, और एक यहाँ भूखा हमारा जिसको पनीर बहुत पसंद है। तो यहाँ ये पनीर चाहिए, दे दो इसको, दे इसको ले लो बेटू, पनीर पनीर इसका फेवरेट है, ये ले खा ले। चल इतना बड़ा पीस दिया, खा लियो। अब देखो सुनेगा भी नहीं, खाएगा 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 जो नहीं खाना। देख ले लो, ले लो पनीर, ले लो ले लो पनीर, ले लो पनीर ले लो। सबसे अच्छी चीज मैं बोलूं क्या है, अपने पास अब ये चॉपर आ गया ना, चॉपिंग करके मैंने ध्रुव को दे दी है। हाँ। अब ये बोल रहे हैं कि पहले इसमें दे चक्के ले गया पनीर, बोलो ले ना जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। रुका इसीलिए था, कैमरा कौन सी सही है भी है, बोला भी तो मैं खाऊंगा नहीं। 2 टेबल स्पून घी, 2 टेबल स्पून अपना तेल, और साथ में आपको ऐसे करना है। देखो मैंने प्याज भी काटे, ये पनीर है, साथ में शिमला मिर्च, इसको फ्राई करेंगे हम एक साइड, और एक साइड हम तड़के का पूरा वो बनाएंगे सिस्टम। तो ये चीज़ के भी हमारे सारे मसाले कट चुके हैं, तो अब बनाते हैं। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैंने वीडियो में, अब बना ही लो पहले कैसे बनता है। अच्छा ही बनेगा। चलो मैं तब तक ना वो साफ सफाई कर लेती हूँ, बना तो देता ना, जो खलारा पड़ जाता है ना वो मैसी बिल्कुल पसंद है। तो ये देखो मैं ये सारा साफ करके फिर आप यहाँ पे आप करोगे तड़का? हाँ यहाँ तड़का मैं करूँगी, आप उधर करो। तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया, अब डलेगा जी जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर प्याज को ब्राउन कर दियो, फिर डालना है एंड में मसाले। इस साइड के लिए। हाँ जी ये मेरी साइड के लिए। तो बढ़िया से इसको मीडियम फ्लेम में सौते करना है, और साथ में यहाँ पे अंजना तड़का मार रही है, तो इससे क्या होगा क्रिस्पीनेस आ जाएगी इसमें।
बढ़िया से ना। बाकी मैडम भी हमेशा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है, तो ये भी सोच रही है करवा क्या रहा है, लड़का चाहता क्या है। पर हो जाएगा। तो गाइस बढ़िया सौते करने के बाद इसको मिक्स कर दो ग्रेवी में, और साथ में ये पनीर का स्पेशल मसाला है तो ये डाल दो बस। ड्राई बन सकता है, मतलब मैंने इसमें पानी डाला क्योंकि मुझे चावल के साथ खाना है, मतलब राइस के साथ इसको ज्यादा अच्छा लगता है। तो पर इसका फ्लेवर जो आएगा ना वो बहुत ही यमी आएगा, 110% बोल सकता हूँ। बस हमारे पास क्रीम नहीं है, इसमें क्रीम डलती है ना, ज्यादा स्पाइसी भी फिर होटल जैसा वाला बन जाता है खाना, मतलब उतना नहीं वैसा बन जाता है, तो सिंपल कम मसाले वाला खाना सही है। हाँ तो बेस्ट है, अब देख ले 5 मिनट में बना कि नहीं बना। ऑल दो मेरी हालत गाइस पसीने में ये हो जाती है, तो किचन में मैं जब भी काम करता हूँ ना मेरे तो एकदम पसीने आ जाते हैं, तो इस वजह से बड़ी ही दिक्कत होती है। बट ठीक है यार, नई नई चीजें ट्राई करते रहनी चाहिए। तो कैसी लगी रेसिपी आप भी जरूर बताएं और ट्राई करें। बता सकते हैं कैसी लगी है, बनी है, पर मेरे को तो टेस्टी लगी। बट ये देख रहे हो प्याज थोड़ा बहुत तो भाई गिर जाता है छोटा मोटा, उस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ मैं आपसे। क्या करें, नया नया कुक हूँ ना, जैसे आप नई नई ड्राइवर हो ना गाड़ी चलाने के लिए, वैसे मैं नया नया कुक हूँ। तो ये अच्छा ही बना है, और हमारे पास हम इसके साथ चपाती चपाती खाने का मन है, तेरा राइस खाने का मन है। टेस्ट भी क्या कैसा लगा वैसे, सच बोलना अच्छा बना है, मतलब पनीर से, मतलब जो हम शाही पनीर बनाते हैं उससे काफी अच्छी रेसिपी है ये, कढ़ाई पनीर है ये। वैसे ना थोड़ा सा ये ड्राई बनता है ग्रेवी, डार्क ग्रेवी के साथ, बट अच्छा लग रहा है मेरे को तो। बाकी तूने बोल दिया अच्छा, तो इट मींस अच्छा ही होगा। बाकी अब गाइस मैं सोच रहा हूँ व्लॉग भी एंड करते हैं, अब बस हमने भी डिनर ही करना है इसके बाद। और काफी ज्यादा यार मजा आया मेरे को ये बनाने में, क्योंकि मैं नई नई रेसिपी ना हर ऑल्टरनेट डेज में ट्राई करता रहता हूँ। तो अब जैसे मैंने 2-3 चीजें और भी बनाई थी पहले, जैसे कि मैंने पुलाव बनाया था बहुत ही टेस्टी, उसके बाद फिर मैंने कड़ी पकौड़ा सीखा, अब इसको भी डिनर दे देते हैं ना भाई साहब। विक्की के साथ कब तक रहोगे, आपको डिनर दे देते हैं। और गाइस सोच रहा हूँ इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड देखते रहे ध्रुव रंजना व्लॉग्स, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।